भूरंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी जंग के लिए भूरंज संघर्ष समिति ने कमर कस ली है। हालांकि गत 5 माह पहले हुए उपचुनाव में भी संघर्ष समिति ने जिला परिषद अध्यक्ष पवन कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था और अब चुनावों से ठीक पहले फिर से संघर्ष समिति ने सक्रियता बढ़ाते हुए अभियान तेज कर दिया है। हमीरपुर के हमीर होटल में भूरंज संघर्ष समिति के सदस्यों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करके चुनावी बिगुल बजाया है। समिति सदस्य विकास ने कहा कि भूरंज में चुनाव लड़ा जाएगा और संकल्प लिया है कि भूरंज से परिवारवाद और विकास की दुर्दशा को रोकने के लिए चुनाव लड़कर परिवर्तन लाएंगे। समिति आने वाले समय में जो आम इलेक्शन होने वाले हैं उसमें निश्चित रूप से इलेक्शन लड़ने जा रही है और हमने जो संकल्प लिया है भूरंज विकास संघर्ष समिति ने कि भूरंज से परिवारवाद और जो भूरंज की दुर्दशा हुई है विकास के रूप में उसको विकसित भूरंज बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इलेक्शन लड़के इस बार परिवर्तन वहां पे निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ओपी दीवान ने कहा कि भूरंज विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात की जा रही है और इस बार चुनावों के लिए पूरी तैयारी की गई है ताकि भूरंज में परिवर्तन किया जा सके। अगले इलेक्शन में अगर मुझे कोई दायित्व मेरी संघर्ष विकास मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है जो मैं वही देती हूँ नहीं, मेरा तो सिर्फ एक एजेंडा ही उनका है कि जो ये चेंज होनी चाहिए, चेंज तो होनी चाहिए, हर चीज में चेंज जो है प्रकृति नियम है क्योंकि वो स्थिति और थी, इसी स्थिति कुछ और। आप क्या थी कहने आप पहले उस वक्त तो ऐसे था बाई इलेक्शन था, उसमें सारी पार्टियां अपने अपने नुमाइंदों को जिताने के लिए यहाँ बैठी हुई थी, कन्वेंशनिंग तो बहुत जोर से चली हुई थी और इनको मतलब अपने पक्ष में करने के लिए कामयाब रही, अदरवाइज हमारे पवन जी जीते हुए जीते कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं जैसे जैसे उनकी लाइन लगती रही, जैसे नए नए कैंडिडेट्स आते हैं वो एक दूसरे के पक्ष में नहीं जाते। जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने कहा कि भूरंज संघर्ष समिति का एजेंडा भूरंज को परिवार मुक्त बनाना है और विकास करवाना है। उन्होंने कहा कि अभियान जोरों से चला हुआ है और लोगों का भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। तो आप बात दाव की कर रही हैं, दाव नहीं है। यहाँ पर भूरंज संघर्ष समिति का मुख्य एजेंडा जो है वो व्यवस्था परिवर्तन है, भूरंज को विकसित भूरंज बनाना है, परिवार मुक्त भूरंज बनाना है, ये हमारा संघर्ष समिति का मुख्य एजेंडा है। अभियान की जहां तक बात की जाए तो हमारे संघर्ष समिति के सम्माननीय अध्यक्ष महासचिव जी भाई पुरुषोत्तम जी व हमारे जो महाकार्यकारिणी के 70 से ज्यादा लोग जो है वो इस टीम में है, वो रात दिन कार्य में लगे हुए हैं। जन जागरण जो है वो जनता में हम कर रहे हैं और जनता जो है वो हमारे एजेंडे को समझने में जो कामयाब भी हो रही है। परिवर्तन 110% जो है हम परिवर्तन करेगी भूरंज की जनता, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हमारा जो है हमारा मुद्दा नहीं है, हम जो है भूरंज को विकसित बनाना चाहते हैं, विकासशील भूरंज बनाना चाहते हैं। मुद्दा तो केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए होता है, वो झूठ का मुद्दा भी फैला दिया जाता है, उसमें कोई बड़ी बात है, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है कि भूरंज को हमने विकसित भूरंज विकास से परिपूर्ण भूरंज बनाना है। परिवारवाद तो वो तो प्रमुखता के ऊपर है, इसको तो हम हटाएंगे, उसके लिए तो हम चले, कोई बात नहीं। एक बार अगर हम कोई बेटा अगर पेपर में फेल हो जाता है तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वो दोबारा उस परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होगा, वो परीक्षा देगा और हमें भूरंज की जनता के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि उस परीक्षा में हमारी भूरंज संघर्ष समिति जो है वो कामयाब होगी आने वाले वक्त। अब मैं जब चुनाव हुआ तो मेरी गरीबी के चित्र उड़ाए गए, वहां पर जनता में ये फैलाया गया कि पवन कुमार की जमीन बिक गई, गाड़ी बिक गई और जनता में ये लोग दुष्प्रचार करते रहे मेरे बारे में। मेरा मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि मेरा कुछ भी नहीं बिका है, मुझे भूरंज की जनता ने एक एक दो दो रुपया पांच पांच रुपया जो वो जनता ने दिया है, चुनाव मुझे भूरंज की जनता ने लड़ाया है। रही बात पैसे की या बिकने की, मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मैं जनता की सेवा में, मैंने तो पैसा कहीं से कमाया ही नहीं, ये तो भूरंज संघर्ष समिति की ताकत है व भूरंज की जनता की ताकत है। जिस जनता की ताकत के बूते भूरंज संघर्ष समिति के आशीर्वाद से हमने चुनाव लड़ा है। गौरतलब है कि भूरंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार 27 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक रहे स्वर्गीय आई दिधमान के निधन के बाद उनके पुत्र डॉक्टर अनिल दिधमान ने उपचुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन अब 2 माह बाद होने वाले चुनावों में भूरंज संघर्ष समिति के मैदान में उतरने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।